फ्रेंड्स, नमस्कार स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो व्हाट इज वर्क? हियर इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम ऐसे वर्क का मीनिंग लें तो जनरली वर्क हो गया काम। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी करते हैं उसको आमतौर पर वर्क कहा जाता है। लेकिन इन फिजिक्स अगर हम वर्क की डेफिनेशन देखें तो वो थोड़ा हमें कंफ्यूज कर देने वाली है। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए देखते हैं कि इन साइंस What is work? Here is definition. Work is said to be done when a force acting on a body causes displacement in the body. Displacement आप पढ़ चुके हैं first chapter में। तो कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट करती है और बॉडी मूव होती है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, कैन चेंज इट्स पोजीशन, दैट इज वर्क। या यू कहें कि बॉडी मूव्स ड्यू टू अप्लाइंग द फोर्स, कि अगर फोर्स लगाने पर बॉडी मूव करती है तभी हम साइंस में ये कहेंगे कि देयर इज सम वर्क इज डन, कि कुछ काम हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये एक बॉक्स है या ब्रिक है ऑन द ग्राउंड, और इस पर हम इधर से इसको पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं मींस फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, एनी पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो इस बॉक्स को या ब्रिक को हमने इधर से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ये एरो शो कर रहा है कि फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये जो बॉक्स है, या यू कहें अब हम इसको फिजिक्स में बॉडी कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, फोर्स लगाने से आप देखेंगे कि इट विल मूव, ये मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये चीज जो है मूव करेगी। तो ये जो यहां से जहां तक ये जो गैप दिख रहा है, मतलब शुरू में ये बॉक्स या बॉडी इधर थी, आप फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जा गई, चली गई इधर, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाय एस। तो फोर्स लगाने पर आपने देखा कि ये बॉडी जो है वो मूव कर गई, मतलब फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन दिस बॉडी, ये जो जगह बदली एक जगह से जहां से जहां पर ये बॉडी जा पहुंची, मतलब इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन, काम हुआ है। काम क्या हुआ है कि इस बॉक्स को, ब्रिक को या इस बॉडी को दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया गया है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है साइंस में उसको हम कहते हैं कि वर्क इज डन। जैसे आप देखते हैं, जैसे मानने के कोई बच्चा पढ़ रहा है एक घंटे से वो बिल्कुल बैठा हुआ है, और हम कहते हैं कि भाई बच्चा काम में लगा है। तो साइंस की रूह से अगर देखें तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है कि बच्चा काम में नहीं लगा है। काम तभी होगा जब
फोर्स लगाने पर बॉडी डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम साइंस में कहेंगे कि वर्क इज सेट टू बी डन। तो ये आपने याद रखना है कि मेंटली तौर पे जो वो जो भी हम काम करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम वर्क नहीं कहते साइंस के लिहाज से। तो आप समझ गए कि व्हाट इज वर्क। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो वर्क डन है इसको फिजिक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्क को हम डिनोट कर रहे हैं W से, एंड वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू S। आप समझ गए कि F इंटू S मीन्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, F फोर्स अप्लाइड फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने याद रखना। अब यूनिट ऑफ वर्क, जैसे हर चीज को मेजर किया जाता है, जो लेंथ है उसको मीटर में मेजर करते हैं, अगर आप वेट है तो उसको ग्राम में या किलोग्राम में, तो इसी हिसाब से जो वर्क है उसको हम किस तरह से, किस यूनिट से इसको मेजर किया जाता है। तो इट इज, जैसे आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट आपने पढ़ लिया है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही ये फोर्स का कंसेप्ट दिया है, इसलिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है, आप जानते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ये मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है दैट इज मीटर। क्या है? मीटर। अब फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है? न्यूटन मीटर, डिनोटेड बाय NM। और इसको, ये जो NM है, न्यूटन मीटर, इज आल्सो कॉल्ड एज जूल। इसको क्या कहते हैं? हम जूल कहते हैं। और ये जूल जो है ये डिनोटेड बाय J, J से इसको हम डिनोट करते हैं। और CGS सिस्टम, इसे भी छोटा अगर हम इसका यूनिट देखें तो उसको हम डाइम भी कहते हैं। फिलहाल आपने ये याद रखना। अब वर्क जो है, फिजिक्स में आपने ये टू क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, जरा इसको रिवाइज कीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क का हम सिर्फ देख सकते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन WF इंटू S का फार्मूला लगा के हम वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैग्नीट्यूड कहा गया है। तो देयरफॉर वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ये मैंने नहीं रखते कि काम जो है वो किस दिशा में हुआ है, सिर्फ काम हुआ है, कितना हुआ है, कितने जोल हुआ है वो हमें पता चलता है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझें। फर्ज किया ये हमारे पास एक बॉक्स है और इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, और ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट S जो है वो है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 10 मल्टीप्लाइंग बाय S मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो इक्वल टू 10 × 5 = 50 न्यूटन मीटर r 50 जो। तो इस तरह से हम